आज आपने एक बहुत ही पॉपुलर सीन देखा है बसोड़ी रामलीला का, जिसमें हल चलाते हैं, जिसके बाद बारिश होती है और उनके राज्य में बारिश के बाद सूखा खत्म हो जाता है और धरती से उन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम जो है वो बाद में सीता रखा जाता है। हमारे साथ सोहन हैं, जो कि राजा जनक का रोल कर रहे हैं। पहले ये रोल जिंदल पादा जी करते थे, अब उनके बाद ये रोल जो है वो सोहन जी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर कैसा इनको ये रोल लगता है और क्या क्या इस रोल में जो खास बातें हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। मेरा नाम सोहन लाल है, तो मैं यहाँ पे अभिनय कर रहा हूँ राजा जनक जी का। मेरे से पहले हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री जिंदल जी पादा करते थे, उनको देखते के हमने ये सीख लिया था उनसे वहाँ पे बैठे बैठे। तो वो एक ऐसे शख्स थे जो मुझे इस रामलीला के ग्राउंड में लेकर आए थे। तो जी कौन कौन से इसमें गाने होते हैं जो फिल्माए जाते हैं, जिसमें दर्शक जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं? देखो जी, बात यह है कि सबसे जो मशहूर गाना जो है वो है वरसा दो नाथ, जो कि अभी यहाँ पे आपने सुना सभी ने। तो वो लोगों का प्यार है वो जिंदल सर जी का, वो उनका उनकी मेहनत है कि जो लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ उनके कदमों के निशानों पर चल रहे हैं। हम तो छोटे बच्चे, हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ सारी उन गुरुजनों की मेहनत है सारी। आज का जो आपका रोल था, पूरा जो आपका रोल था, उसमें बताइए क्या क्या था? मेरा आज के रोल में तो जो ये था कि मतलब जैसे हमारे जनकपुरी में जो अकाल पड़ चुका था, तो उसका समाधान करने के लिए हमने गुरुदेव को बुलाया। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको भूमि पूजन करके स्वर्ण हंस से हल से जो है आपको ज़मीन को जोतना पड़ेगा, जिससे कि बारिश हो सकती है। तो वही आपने दृश्य देखा। तो जो हमने गाना गाया यहाँ पर अभी, क्लासिकल बेस्ड जो गाना था अभी, वो गुरुजन लोग बताते हैं, मुझे इस बात का पता नहीं है कि राग केदार में वो बंदिश, वो जो बंदिश थी वो आधारित थी। तो उसी पर आपने सुना अभी बरसा दो नाथ का गाना। सीता जन्म जाती धरती से सीता जन्म हुआ है जी। कितना समय लगता है उस सीन को फरमाने में, कितना मुश्किल उस, आप इतना देख लो कि हमें मतलब एक महीना, पूरा 100 महीना लग जाता है हमें प्रैक्टिस करते हुए। ये तो गुरुजनों की सालों की मेहनत होती है, जो हम पे हाथ रखते हैं, सिर्फ वो तो चल जाता है उनसे, उनका तो बड़ी मेहनत लगती है इसके पीछे। मैं सभी गुरुजनों का और सारी बसोली प्रजा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको अपने सिर माथे पर रखा। तो ये थे हमारे साथ सोहन लाल जी, जिन्होंने आज राजा जनक के किरदार के बारे में बताया। हम आपको आगे भी ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जुड़ी रहे कठुआ अपडेट के साथ।